हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बड़ी अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आप भी लाभार्थी हैं और साल में 6,000 रुपये उठाते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे जो किसान हैं अभी तक अपना जो EKYC नहीं कराए हैं, तो जल्द से जल्द अपना जो EKYC करा लें, अन्यथा आपका जो अगली किस्त है वो नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। किस प्रकार यहाँ पे अपडेट दिया गया है, तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 15 लाख ऐसे किसान हैं बिहार में जो अभी तक अपना जो EKYC है नहीं कराया है, तो उनका जो 13वीं किस्त का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। अगर EKYC नहीं कराते हैं तो उनका जो पैसा है अभी तक नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सरकार भी अब 13वीं किस्त का जो पैसा है वो नहीं देने वाला है। आपको दो बड़ा यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको अगर ज़मीन है, आपके नाम से ज़मीन है, उसको आपको फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। आपके घर में कौन कौन यहाँ पे पीएम किसान का जो पैसा है उठा रहे हैं, अगर 2 से 3 आदमी उठा रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है कि पीएम किसान की तरफ से फ्रेंड्स आपको EKYC और यहाँ पे भूमि सत्यापन कराना आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो अगर जल्द से जल्द फ्रेंड्स आपके नाम से अगर रसीद है या आपके नाम से खेत है, उसको अपना जो करंट यहाँ पे रसीद कटा ले, तभी तो आपका जो 13वीं किस्त का जो पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यहाँ पर सरकार भी आपको यहाँ पर पैसा देने के लिए यहाँ पर आप नोटिस पर नोटिस यहाँ पर भेज रही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बता दें कि 13वीं किस्त का जो पैसा है, बहुत सारे किसान यहाँ पे रिजेक्ट होने वाले हैं, यानी यहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका स्टेटस में कुछ इस तरह से बता रहा है, तो फ्रेंड्स आपको कैसे सुधार सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस आपको देख रहे हैं। तो सिंपली आपको इस तरह से आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको बता रहा है, तो जल्द से जल्द अपने जो एरिया का जो कृषि सलाहकार होते हैं उनसे संपर्क करें, और यहाँ पे अपना जो रसीद और यहाँ पे EKYC उसको वेरीफाई करा लें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर डालकर, यहाँ पर कैप्चर को डालकर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, हम डाल कर यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं हमारा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली नीचे करेंगे और आपको आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो है EKYC यहाँ पे डन हो गया, यानी यस ऑलरेडी पहले हम करा चुके हैं EKYC, और यहाँ पे इनेबिलिटी में यहाँ पे यस बता रहे हैं यानी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट मोड में यहाँ पे आधार बता रहा है, और यहाँ पे बैंक स्टेटस में आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाई यहाँ पे PMS बैंक के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको देख सकते हैं, और इनका जो यहाँ पे है लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका जो क्या करना होगा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपके नाम से रसीद होना चाहिए, और रसीद होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कृषि सलाहकार या कृषि कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क करेंगे, और वहाँ पर अपना जो रसीद है वहाँ पे जाकर अपना रसीद बताएंगे, तभी आपका जो यहाँ पे लैंड सीनी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दें, आपके नाम से जल्द रसीद कटा ले, और करंट रसीद होना चाहिए फ्रेंड्स, और कृषि सलाहकार आपके एरिया का जो भी हैं उनसे संपर्क करें, तो आपका जो लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो 13वीं किस्त है वो जल्द ही आपके खाते में आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी दिए हैं, और एक और स्टेटमेंट आपको खोल के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हम दिखा रहे हैं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है तो किस तरह से सोल्व होगा, अगर आपका उसी तरह है तो आप भी सोल्व करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आप चेक करना चाहते हैं, जिससे आप चेक करना चाहते हैं यहाँ पर डाल लेंगे, और यहाँ पर कैप्चर को डालकर यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो स्टेटमेंट्स आपका खुलकर इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे EKYC यहाँ पे यस बता रहा है, उसके बाद इनेबिलिटी में पे नो बता रहा है, और यहाँ पे जो आधार मोड है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही है, और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड बाई यहाँ पे बैंक है, और उसके बाद यहाँ पे लैंड सीडिंग यहाँ पे यस बता रहा है, और इनका जो पैसा है यहाँ पे रुक चुका है, अभी तक इनका जो पैसा है यहाँ पे
इनका जो सातवां इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर रुक चुका है और यहाँ पे RFT साइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और इनका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, इनका बेनिफिशरी इनएक्टिव यहाँ पे कर दिया गया है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनएक्टिव बेनिफिशरी इज इनएक्टिव का मतलब होता है कि आप पैसा लेने के योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया गया है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर आपका जो पैसा है कहीं सरकारी काम करते होंगे, या आपका जो इनकम टैक्स भरते होंगे, या आपके घर में कोई नौकरी कर रहा है उसके पैसा यहाँ पे आ रहा है, आप भी यहाँ पे सरकारी पैसा उठा रहे हैं, इसके चलते यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से आपका अगर कोई घर में आपको सरकारी या कोई यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो आपका भी यहाँ पे इस तरह से आपको बता रहा है इनएक्टिव कर दिया गया है, तो किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बताते हैं आपके नाम से रसीद, और यहाँ पे आपको यह बेनिफिशरी स्टेटस आपको निकलवा लेना है, और अपने कृषि कार्यालय में यहाँ पे जल्द से जल्द संपर्क करेंगे, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा, और आपके नाम से अगर होगा तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा। और आपके फ्रेंड्स आपको नाम से अगर वहाँ पे इंक्वायरी होगा, अगर आपके नाम से अगर इनकम टैक्स या कोई भी यहाँ पे सरकारी पैसा का यहाँ पे हिस्ट्री नहीं निकलता है, तो आपका जो पैसा है यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो किस पीएम किसान का जो पैसा है फिर से आपको यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।